वेलकम बच्चों, क्लास 11 की फिजिक्स में आज हम ले रहे हैं विमाओं के अंतर्गत लेक्चर नंबर 6। दिस इज L6 लेक्चर नंबर 6 और आज ये विमाओं से संबंधित सब खत्म हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। जो बेसिक जानकारी है ये फिनिश हो जाएगा। एडवांस लर्निंग के लिए आगे के लेक्चर देखने होंगे आपको। बच्चों, इसमें हम पढ़ रहे थे द्विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग, विमाओं से हम क्या क्या कर सकते हैं। इसमें हम सब पढ़ चुके थे, एक बस बचा था, विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य कैसे द्विमीय विश्लेषण की सहायता से, विमाओं की सहायता से हम संबंध स्थापित कर सकते हैं, आज हम इस लेक्चर में सीखने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन सुनिए, कॉपी पेन रख के बैठिएगा। प्रश्न में ऐसे लिखा देता हूँ इसी में बोल के और फिर उसको सॉल्व करते हैं। ये सुना है आपने, एक बराबर एक बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, सुना है। तो इसका प्रश्न ऐसे बनता है, किसी वस्तु पर लगने वाला बल F उसके द्रव्यमान m और त्वरण a पर निर्भर करता है। विमीय विधि से सिद्ध कीजिए कि F बराबर ma, या फिर विमीय विधि से बल के लिए आवश्यक सूत्र ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्लियर हो गया सबको? नहीं हुआ दोबारा सुन लो वीडियो, तिबारा सुन लो, चौथी बार सुन लो, एक न एक दिन हो ही जाएगा। चलो हाँ, तो इसको कैसे सिद्ध किया जाता है, देखिए मैंने बोल दिया है ना। आप इसको कैसे करना है, बल काय पे निर्भर कर रहा है, बल F जो है द्रव्यमान पे कोई घात आ रही है, मान लो x आ रही है, और त्वरण के साथ घात y आ रही है, ठीक है। दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो ये क्या बनेगा बच्चों, m पर x की घात इंटू a पर y की घात। इस कथन को और इस कथन को मिला दिया, कंबाइन किया तो ये बना। फिर जब समानुपाती चिन्ह हटता है तो एक कोई नियतांक आता है, आप शायद जानते होंगे, नहीं जानते तो आप सीखिए। समानुपाती चिन्ह जब हटेगा तो एक नियतांक आएगा। मान लिया यहाँ पे एक नियतांक आया है स्मॉल k, ठीक, ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब इसको हम क्या बोलेंगे, जहां k 1 क्या है, जहां k 1 विमाहीन नियतांक है। वेयर व्हाट इज k 1 विमाहीन नियतांक है, मतलब इसकी विमा नहीं होती, हर बार आएगा ही, इसलिए मैंने प्रॉपर तरीके से लिख दिया है कि सवाल को कैसे करना है। अब जितनी भौतिक राशियां इसमें आ रही हैं समीकरण 1 में, सबके विमीय सूत्र लेंगे हम। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, ठीक, अच्छे से पढ़ना, समझ में जरूर आएगा। तो बल F का विमीय सूत्र बताइए क्या होता है, बताइए MLT-2। समझ में आया, नहीं आया पुराना लेक्चर देख लो, आ जाएगा। बल का आ गया, फिर द्रव्यमान, द्रव्यमान दिया ना इधर, द्रव्यमान का क्या होता है, द्रव्यमान का विमीय सूत्र m होता है, और त्वरण का विमीय सूत्र क्या होता है बताइए, त्वरण का विमीय सूत्र होता है बच्चों LT-2। अब समीकरण 1 में जितनी भी भौतिक राशियां आ रही हैं, कौन कौन F, m और a, तो इधर ऐसी भाषा लिखनी पड़ेगी आपको जब पेपर में लिखोगे, तो समीकरण 1 में प्रयुक्त भौतिक राशियों के विमीय सूत्र लिखने पर, समीकरण 1 में प्रयुक्त भौतिक राशियों के विमीय सूत्र लिखने पर, इसमें सारे विमीय सूत्र भर दीजिए आप। F क्या है, बल, तो बल का विमीय सूत्र क्या होता है, MLT-2, ओके, राइट। में ये k विमाहीन है, पहले बता दिया, इसकी विमानी भरेंगे, m द्रव्यमान है, घात कितने की आएगी, x की, इंटू a त्वरण है, क्या बनेगा LT-2, घात आएगी y की, एक की घात है, इस पे एक की घात है, ठीक है। क्या बना, m पर एक की घात, l पर एक की घात, t पर -2 की घात, इधर क्या आएगा, m पर x की घात, l पर y की घात, t पर -2y की घात, क्लियर, समझ में आया। अब इसके बाद हम लगाएंगे द्विमीय समांगता का सिद्धांत, ये बार बार लगेगा, क्या
विमीय समांगता के सिद्धांत से, इसको बोलते हैं PDH, प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी, इससे ये सिद्धांत क्या बताता है, पहले हम पढ़ चुके हैं, नहीं समझ में आया आप पीछे की वीडियो देखिए, समझ में पूरा आ जाएगा। अरे भाई समझ में बहुत अच्छा आता है, आप पूछ लीजिए बच्चों से, आता है कि नहीं आता? आता है, बड़े बड़े है ना डॉक्टर बन गए, बड़े बड़े इंजीनियर बन गए, बड़े बड़े ऑफिसर बन गए बच्चे पढ़ पढ़ के, ठीक है, ऐसे आप लोग भी बन जाओगे अच्छे से पढ़ोगे तो। ये सिद्धांत कहता है कि दोनों पक्षों में विमा एक जैसी होती है, तो एम की घात जो इधर है, घात यानी विमा, जो एम की घात इधर है वो इधर भी होगी, तो एक्स बराबर एक आएगा और वाई बराबर एम की घात, एम की घात, एल की घात, एल की घात, और वाई बराबर एक, एक्स और वाई दोनों आ गए। अगर किसी को लग रहा है कि हम यहां से निकालेंगे तो माइनस टू वाई बराबर माइनस टू, तो वाई बराबर एक आएगा, इधर से भी आएगा उधर से भी आएगा। फिर क्या बोले हम, अब हमने कहा समीकरण एक में, एक में एक्स व वाई के मान रखने पर, समीकरण एक में रख दीजिए आप एक्स और वाई के मान, जे समीकरण एक, आ जाओ इधर पे, क्या बनेगा एफ बराबर के एम पे एक की घात और ए पे एक की घात, इस पे एक की घात और इस पे भी एक की घात, क्लियर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक, तो अब इसमें दिक्कत ये हो गई अपन को, क्या दिक्कत हो गई, ये परेशानी हो गई कि इस के का मान हमें नहीं मालूम। के का मान एक्सपीरियंस से आता है, अनुभव से आता है, और अनुभव कहां से आता है, अनुभव सूत्र देख के आता है। इस सूत्र में हमें दिख रहा है कि एक का गुणा है इसमें, अगर हम के बराबर एक ले लेंगे तो सूत्र बन जाएगा, ठीक है, बस कुछ नहीं करना, इतने कर देना है यहां के बराबर एक, इसलिए एम बराबर क्या आ गया, एम इंटू ए इति सिद्धम, हो गया ना, यही अभिष्ट सूत्र है, यही बल के लिए सूत्र है। याद कैसे कर लोगे, एम फॉर फादर और एम ए मां, फादर और मां इक्वल है ना, पापा मम्मा इक्वल, हो गया ना प्रूफ, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं, लिख लीजिएगा। ठीक, अगला सवाल ध्यान से समझना, हम स्पीड पकड़ेंगे है ना, जैसे हमने बोला अगले सवाल में कि कार्य डब्ल्यू बराबर होता है बल गुणित विस्थापन, ये सिद्ध करके बताइए विमीय दृष्टि से, विमीय दृष्टि से नहीं, विमाओं की सहायता से इस सूत्र को निकाल के बताइए, कैसे एफ डी कॉस थीटा होता है, लेकिन हम कह रहे हैं विमाओं से ये सिद्ध करके बताओ कि बल बराबर, सॉरी कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन, ये आना चाहिए। तो हमने मान लिया क्या, क्या मान लिया कि कार्य डब्ल्यू जो है बल एफ की एक्स घात पर निर्भर करता है, और डब्ल्यू जो है वाई डी पे वाई की घात पर निर्भर करता है, कोई समस्या है इसमें? ये सूत्र तब होता है जब इन दोनों के बीच में कोण जीरो डिग्री होता है, ठीक है, ये बाद में बताएंगे कि कहां से जीरो डिग्री होता है, जब कार्य ऊर्जा शक्ति पढ़ाएंगे, अभी केवल आप विमा ही पढ़ रहे हो, विमाओं की दृष्टि से देखिए कि कार्य का मान बल और विस्थापन पर निर्भर कर रहा है, तो हमने ऐसे मान लिया, दोनों को इकट्ठा कर देंगे तो क्या बनेगा जी, ऐसा बनेगा, अब देखना उसी सवाल को हम एडिट कर रहे हैं, बल की जगह कार्य आ गया, द्रव्यमान की जगह बल आ गया, और इधर क्या विस्थापन आ गया। अब विमीय सूत्र इधर सबके ले लो, बल का तो ये लिखा ही है, इधर काय का लिख रहे हैं, विस्थापन का, विस्थापन, विस्थापन डी, विस्थापन यानी मीटर में नपेगा, यानी इसका विमीय सूत्र एल आएगा, त्वरण नहीं ना, बचा कार्य, एक और बचा अपना, तीन थे ना, कार्य का विमीय सूत्र क्या होता है, बोलिए बोलिए भाई, एम एल टू टी माइनस टू होता है, नहीं होता, ये कार्य का विमीय सूत्र हो गया, तो कार्य का बल का विस्थापन का तीनों विमीय सूत्र समीकरण एक में लिख देंगे, वो लिखा उधर पर, समीकरण एक में प्रयुक्त भौतिक राशियों के विमीय सूत्र लिखने पर, इधर आ जाएगा कार्य का, आ गया राइट में, कह का आएगा राइट में, किस भौतिक राशि का विमीय सूत्र आएगा बताइए आप, के विमाई में आएगा नहीं, एफ बल है, बल का क्या आएगा, एम एल टी माइनस टू घात एक्स की आएगी, इंटू डी विस्थापन है, एल है घात वाई की आएगी, अब एम पर आ गई एक्स की घात, एल पर एक्स की यहां पे आई और वाई की यहां पे आई, एक्स प्लस वाई आएगी ना, एल पर एक्स की घात इधर आ गई और एल पर वाई की घात इधर आ गई, दोनों घातें जुड़ जाएंगी,
और टी पर गार कितने की आएगी, माइनस टू एक्स की आएगी। अब फिर हम क्या लगाएंगे, विमीय समांगता का सिद्धांत यानी घातों की तुलना कर देंगे दोनों पक्षों में, एम की घात एक्स, एम की घात एक, तो एक्स बराबर एक आ गया ना। अच्छा वाई चाहिए तो एल की घात एक्स प्लस वाई और एल की घात दो, कोई दिक्कत दिक्कत तो आज तक हुई नहीं है। अरे हुई है क्या, कभी नहीं। हाँ x की जगह एक भर दो आप, एक धन y बराबर दो, तो y बराबर दो ऋण एक, तो y बराबर एक। x और y के मान फिर से एक एक आए हैं, फिर से समीकरण एक में ले जाओ तो क्या बनेगा बच्चों, रज्जु क्या बनेगा, w बराबर k, इधर आएगा बल की जगह f, घात एक की लिखेंगे नहीं d, मतलब कार्य समानुपाती आ गया बल गुरुत्व विस्थापन के। तो अब सूत्र देख के अनुभव आता है, सूत्र क्या कह रहा है, k बराबर एक लिख दो तो खेल हो जाएगा, तो k बराबर यहाँ पे भी एक, ये मन से लेना है, तो w बराबर क्या हो गया बल गुरुत्व विस्थापन, याद रखना। लेकिन कब, जब इनके बीच का कोण 0 डिग्री होता है तब। कोई प्रॉब्लम बच्चों, समझ में आया, नोट करो, दो क्वेश्चन होगा स्पीड में नोट करो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करो, वीडियो को रोक लो, समझ में नहीं आया दो बार पढ़ लो, तीन बार पढ़ लो, चार बार पढ़ लो, जितने चाय बार पढ़ लो, है ना, आनंद चार बार आपके घर आ रहे पढ़ाने, ठीक। एक और सूत्र आपने सुना है, किसी वस्तु का जो रेखीय संवेग है p, उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है, ये सूत्र निकाल के बताइए। रेखीय संवेग p बराबर द्रव्यमान गुणा वेग, तो फिर वही कहानी, कैसे शुरू करेंगे बताइए, क्या कहानी है। माना रेखीय संवेग p जो है द्रव्यमान पे m की घात पर निर्भर कर रहा है और वेग पे y की घात पर निर्भर कर रहा है, दोनों को अगर हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, p समानुपाती m पर x की घात हो जाएगी और v पर y की हो जाएगी। तो समानुपाती चिन्ह हटाएंगे, फिर से k आएगा, फिर से ये रामायण लिखी जाएगी, समीकरण नंबर एक हो गया, जहां k एक क्या है, कोई दिक्कत नहीं, सबके विभिन्न सूत्र फिर से लिखो। ये क्या है, रेखीय संवेग या संवेग, विभिन्न सूत्र क्या होता है, एम एल टी माइनस वन होता है, सबको मालूम है, सबने सुना है, ठीक है। संवेग का हो गया, फिर से द्रव्यमान का चाहिए, द्रव्यमान का विभिन्न सूत्र बता दो क्या होता है, बता दो जल्दी, एम होता है, मालूम है सबको। एक और बचा वेग, वेग का क्या होता है, वेग का विभिन्न सूत्र बोलो एल टी माइनस वन होता है। ये तीनों विभिन्न सूत्र उठाएंगे, कहां ले जाएंगे, समीकरण नंबर एक में ले जाएंगे, ले चलो लेफ्ट में क्या है, संवेग एम एल टी माइनस वन, एक की घात इधर एक की घात, एक की ऋण एक की, बाएं पक्ष का हो गया काम, ठीक है। राइट में आओ, आज आज अमीर राजा तू राइट में आजा, है ना, आजा राइट में आजा, क्या होगा के विमानी ने, विमान नहीं होगी, एम द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान का एम घात एक्स की इनटू बी क्या एल टी माइनस वन घात कितने की वाई की, एक की घात इस पे एक की इस पे, क्या बनेगा एम पर एक्स की घात एल पर वाई की घात टी पर माइनस वाई की घात, समझ में आ रहा है, आ रहा है। फिर क्या करेंगे, क्या करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, सब करेंगे, सवाल बनेगा एम की घात एक्स है, एम की घात एक है, तो एक्स बराबर एक आ गया, आ गया ना, और क्या होगा, और क्या होगा, रज बेटा अज बेटा, एल पर वाई की घात एल पर एक की घात, तो वाई बराबर एक होगा। एक्स और वाई के मान फिर से उठाओ, फिर से एक में ले चलो, बार बार वही वही है ना, एक्स वाई के मान उठाओ, समीकरण एक में ले आओ, 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 समीकरण एक में एक्स वाई के मान लेकर आइएगा, इधर डालिएगा और इनको, तो पी बराबर क्या बनेगा, के एम पर एक की घात बी पर एक की घात, क्या बना पी समानुपाती एम बी या पी बराबर के एम बी, तो यहाँ फिर से क्या k बराबर एक, फिर से, तो इसलिए p बराबर क्या m into b। बच्चों समझ में आए, बहुत अच्छे से आए कि नहीं आए, अच्छे से आए ना, चारों दोस्तों को बताओगे नहीं बताओगे, अपनी क्लास के और बच्चों को बताओगे कि नहीं बताओगे, 11th का है,
अरे नाइन्थ वालों को भी बता देना, टेंथ को बता देना, ट्वेल्थ को भी बता देना, हिंदी इंग्लिश सबको बता देना। क्यों? ये आपका हिंदी में है, उनके लिए इंग्लिश में भी है, नाइन्थ का भी है, टेंथ का भी। अपना जो नमस्ते फिजिक्स चैनल है, इसमें अकेला फिजिक्स नहीं, इसमें केमिस्ट्री भी मिलेगी, सब क्लासों के लिए मिलेगी, हिंदी में भी इंग्लिश में भी मिलेगी, ठीक है। तो ये स्टडी का पूरा क्या है, एक प्लेटफॉर्म है, और सारे बच्चों के लिए 100% निःशुल्क अवेलेबल है, ठीक है। तो प्लीज ये पुण्य का काम कीजिएगा, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो, जिससे नोटिफिकेशन आ जाता है नए वीडियो का। चलिए अब क्या करते हैं, हम एक और सवाल लेते हैं। ले एक और सवाल, बताओ अच्छा तुम लोग, है ना, हमारा हाथ देख रहे हो, यहां देख रहा है ना, ये है ना, ऐसा घड़ी के नीचे हिलता है, वो कहलाता है सिंपल पेंडुलम। मतलब सिंपल पेंडुलम नहीं है, लेकिन वो सिंपल पेंडुलम ऐसे ही होता है ना, लोलक। तो इसका एक चक्कर कितनी देर में लग रहा है, इधर से इधर आ रहा है, एक चक्कर कितनी देर में आ रहा है, ये कहलाता है इसका क्या, आवर्त काल कहलाता है, ठीक। तो सरल लोलक का जो आवर्त काल है, सरल लोलक का आवर्त काल, तिरछा जानबूझ के लिख रहा हूँ, नहीं तो आप लोग सोचोगे सर से लिख के नहीं बन रहा है ना, हाँ 25 साल है वो बेटा पढ़ाते, 23 साल है ना, 23 लगातार हो गए, उसके पहले से भी है ना, जब सेकंड ईयर में थे तब से पढ़ाते, तो 25 सही हो गई है ना। तो सरल लोलक का आवर्त काल ये है, ये होता है, माने सरल लोलक का आवर्त काल जो टी है, ये प्रभावी लंबाई एल और गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करता है। आप विभिन्न विधि से सूत्र निकाल के बताओ, सिद्ध करके बताओ। हमने कहा आजा मैदान में, कोई कठिन बात थोड़ी है, आजा 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 आजा। आवर्त काल को हमने माना लंबाई पे x की घात आ रही है, और आवर्त काल में गुरुत्वीय त्वरण जो आ रहा है, इसमें y की घात आ रही है, ऐसा हर बार मानते हैं। टी एल पर और जी पर निर्भर कर रही है, तो नीतांक के बाद में हम के बराबर बढ़ देंगे, ठीक। तो टी समानुपाती एल पर x की घात, टी समानुपाती जी पर y की घात, दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो क्या बनता है, टी समानुपाती एल पर x की घात इंटू जी पर y की घात, या क्या बनेगा, टी बराबर एक के आएगा। तो के क्या है, आप बार बार देख रहे हो इस के को, बार बार देख के बोर हो रहे हो, बोर नहीं हो रहे हो, समझ रहे हो, मजा आ रहा है ना, सीखते का में जब मजा आता है पढ़ने में, मजा कब आता है, जब सीखते हैं, क्या बात है, सीखते हैं तो मजा आता है, और मजा आता है तो सीखते हैं, दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ गई है, ठीक है। पिक्चर नहीं है, जैसे आपको किसी के पिक्चर में जाता ना, गेम खेलने में कॉमेडी में जाता है, ऐसा अपन को फिजिक्स में मजा आने लगेगा, तो आइंस्टीन न्यूटन बड़े होके आप ही बन जाओगे, है ना, हाँ। एक दिन ऐसा आएगा मेरे बच्चे आइंस्टीन न्यूटन बन जाएंगे, हाँ। देखो जरा ये हो गया कि एक विमायी नीतांक, अब चलो आ जाओ इन सबके विमायी सूत्र देख लो, आ जाओ कि क्या है आवर्त काल, आवर्त काल का विमायी सूत्र आपको मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम होना चाहिए तो फिर क्या वीडियो देखिए और पता चल जाएगा, ठीक है। एल है लंबाई, प्रभावी लंबाई हो चाहे बिना प्रभावी लंबाई हो, हर लंबाई दुनिया में एल ही होती है, और जी क्या है, जी गुरुत्वीय त्वरण है, तो त्वरण कोई भी हो संसार का एल टी माइनस टू ही होता है। तो इन तीनों के, जी के, एल के और टी के, सबके विमायी सूत्र उठाओ और कहाँ ले जाओ, समीकरण एक में, वो लिखी है बच्चा, वो लिखी दिख रही है ना, समीकरण एक में प्रयुक्त भौतिक राशियों के विमायी सूत्र लिखने पर, आ जाओ लिख दो जी। लेफ्ट में क्या आएगा, टी आ गया, राइट में के विमायी है, एल क्या है लंबाई है एक्स की घात, जी क्या है एल टी माइनस टू है घात वाई की है, एक एक, ठीक है। लेफ्ट में एल बिल्कुल नहीं है ना, तो एल पे एक लगा लो, अरे गलती कर दो ना, कर दो ना, 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 ना। एल पर जी हो, एल ही नहीं होगी, और टी पर एक की घात, और राइट में क्या, एल पर एक्स की घात इधर से और वाई की इधर से, दोनों जुड़ के हुए एक्स प्लस वाई की, और टी पर कितने की, माइनस टू वाई की। अब लगाएंगे हम विमीय समांगता का सिद्धांत, इस सिद्धांत में क्या दिख रहा है हमें, टी पर जो घात है, टी पर जो घात है बराबर होगी, माइनस टू वाई बराबर होगा एक, इसलिए वाई बराबर क्या होगा, माइनस वन अपॉन टू, वाई का माना गया, आगे ना, एंड एंड क्या, एक्स प्लस वाई बराबर जीरो, एल पर जो घात है वो एल पर जो घात है, ठीक है।
एक्स बराबर क्या आया, ऋण बाय वाई, ऋण एक बटे दो पहले से और एक ऋण और है, तो एक्स बराबर क्या हो गया, दो ऋण हो गए ना, तो ये हो गया क्या प्लस वन। एक्स और वाई दोनों के मान आ चुके हैं और इनको हम ले चल रहे हैं उठा के कहां, समीकरण नंबर एक में आ जाओ। समीकरण एक में एक्स और वाई के मान रखने पर आ जाओ जो है ना टी, ये दिख रहा नहीं यहाँ पे आपको बगल में टी, एल पर एक बटे दो की और जी पर ऋण एक बटे दो की। बोलो ये एक्स की जो वाई है ऋण एक बटे दो, जो एक्स है धन एक बटे, ये भरा तो आप क्या हुआ है ये बताओ जरा, के एल पर एक बटे दो की घात और बटे में जी पर एक बटे दो की घात, बटे में जाएगा तो ये धन हो जाएगा, फिर ये क्या हुआ के एल बटे जी पे एक बटे दो की घात। इतना समझे कि नहीं समझे, समझे ना बच्चों, तो टी बराबर क्या हो गया के, मुझे वर्गमूल लिखते हैं इसको, अरे एक बार एक बटे दो का मतलब वर्गमूल नहीं होता तो क्या बटा होता है, एक बटे दो वर्गमूल ही होता है, बटा आलू टमाटर नहीं होता है, एक बटे दो की घात समझ में आई। अब स्पष्टतः एक बात हमें दिख रही है, क्या दिख रही है कि जो के है वो कितना है, ये अनुभव से आता है, और हमने कहा है अनुभव कहां से आता है, सूत्र देख के आता है, इस सूत्र में कितना लिखा है दिमागी निशान जय भर दो, यहाँ के बराबर टू पाई, इसलिए आवर्तकाल का सूत्र क्या बना बच्चों, के बराबर टू पाई, हमको बात समझ में आई ना, ओके यही अभी सूत्र है, हो गया खेल हो गया, समझे कि नहीं समझे। एक और सवाल इस बात पे है ना, एक और सवाल हो जाए बेटा, एक और सवाल हो जाए है ना, आ जाओ एक और सवाल हो जाए, हो जाए एक सवाल है ना, जैसे अपन दौड़ते हैं कितने तेज चल रहे हैं, वाहन चलते हैं रोड पे कितने तेज चल रहे हैं, ऐसे जब ध्वनि चलती है किसी माध्यम में तो कितनी तेज चल रही है, उसका सूत्र पता करते हैं है ना, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल v बराबर होती है वर्गमूल e बटे d या e बटे रो, d की जगह रो भी लिख सकते हो आप है ना, क्या है मतलब इसमें, इसमें क्या है भाई, मतलब कहने का है कि जो चाल है ध्वनि की वो माध्यम की प्रत्यास्थता गुणांक पर निर्भर करती है और माध्यम के घनत्व पर निर्भर करती है, ठीक है, ऐसा प्रश्न में दिया रहता है कि किसी माध्यम में ध्वनि की चाल उसके प्रत्यास्थता गुणांक एवं घनत्व पर निर्भर करती है, कौन के माध्यम के, विमीय विधि से आप सिद्ध कीजिए कि ध्वनि की चाल का सूत्र ये होता है जो बोर्ड पर लिखा है, ठीक है, मिलाइए इन दोनों को, मिलाया तो क्या हुआ e पर x की घात d पर y की घात, तो v बराबर क्या आ गया k e पर x की घात d पर y की घात, समीकरण नंबर एक, और k है विमाही निंदा, कोई दिक्कत नहीं है, तो v क्या है सूत्र में हमारे चाल है, चाल का क्या हाल है बोर्ड पे दिख रहा है अल्टीमेट इस पर है, e क्या है, e है प्रत्यास्थता गुणांक, इसमें परेशान नहीं होना है, ये ग्यारहवीं में आप सीख जाओगे है ना, अभी क्वेश्चन में मैंने दे दिया है, प्रत्यास्थता गुणांक का विमीय सूत्र क्या होता है पीछे के वीडियो में दिख रहा है आपको है ना, देखिए आना एक बार, ये होता है दाब का विमीय सूत्र ML माइनस वन टी माइनस टू एंड घनत्व, घनत्व डी भी लिख सकते हो आप इसको, रो भी लिख सकते हो, क्या रो नहीं रो आर एच ओ रो, घनत्व रो कुछ भी लिख सकते हो, ये द्रव्यमान बटे आयतन होता है, ये हो गया, तो कुल मिला के इसमें तीन भौतिक राशियां आ रही हैं और हम तीनों के विमीय सूत्र यहाँ पे लिख चुके हैं, कोटा प्रश्न का एक में डाल रहे हैं, खेल हो जाएगा अभी देखिए, समीकरण एक में प्रयुक्त भौतिक राशियों के विमीय सूत्र लिखने पर, चलो आ जाओ जरा आ जाओ सबके लिखते हैं अपन है ना, लेफ्ट में क्या है चाल, चाल क्या होती है एल टी माइनस वन, राइट में के विमाहीन है, ई प्रत्यास्थता गुणांक है एम एल माइनस वन टी माइनस टू, घात x की d घनत्व है m l माइनस q घात y की, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, एक भी बच्चे को दिक्कत नहीं है, लेफ्ट में m नहीं है तो m पे जीरो की घात दे सकते हैं, l पे एक t पर ऋण, कोई परेशानी नो परेशानी, m पर एक की घात x से गुणा होगा तो m पर x की घात हो गई और m पर उधर y की घात हो गई, तो m पर हो गई x प्लस y की घात, फिर l पर कितने की हो गई माइनस x की जी हो गई और माइनस थ्री वाई की हो गई, और t पर कितने की हो गई माइनस टू एक्स की हो गई, कोई परेशानी इसमें, परेशानी होती नहीं है कभी आज तक नहीं, चलो आ जाओ फिर विमीय समानता का सिद्धांत लगाओ, विमीय समानता का सिद्धांत क्या कहेगा कि दोनों तरफ की विमाएं एक जैसी होंगी,
तो सबसे पहले काय की विमान को तुलना करें हम, एक्स प्लस वाई को करें। दिक्कत सी हो रही है हमें तो थोड़ी। कॉमन सेंस दुनिया में सबसे बड़ी चीज है जो हमेशा काम में आता है। पहले हम ठीक करेंगे है ना, तो माइनस टू एक्स बराबर माइनस वन, इसलिए एक्स बराबर माइनस से माइनस कट गया, एक बटे दो आया ना, फटाफट आ गया। एंड एंड क्या, एम की घात, एम की घात क्या, एक्स प्लस वाई बराबर जीरो, तो वाई बराबर माइनस एक्स, और एक्स आ चुका है पहले, तो ये हो गया माइनस वन अपॉन टू। एक्स और वाई दोनों के मान पुनः समीकरण एक में रखने पर ये समीकरण आ जाए, यहाँ पे समीकरण एक में मान लेके आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, समीकरण एक में ये मान लेकर आ जाइए, क्या होगा ये वी बराबर के ई पर एक बटे दो की घात, डी पर ऋण एक बटे दो की घात। तो b बराबर के e पर एक बटे दो की घात और d पर एक बटे दो की घात, लेकिन जब ये बटे में जाएगा तो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, k e बटे d पर एक साथ एक बटे दो की घात, और एक बटे दो की घात का मतलब अभी हमने बताया था कि इसका मतलब भटा नहीं होता, इसका मतलब क्या होता है, वर्गमूल होता है बिटुआ, इसका मतलब आलू टमाटर नहीं होता, एक बटे दो की घात का मतलब तो आलू टमाटर चढ़ा दो इधर, है ना। एक बटे दो को क्या होता है मतलब इसका बेटा वर्गमूल होता है, और स्पष्टता के बराबर कह रहा हम बार बार कह रहे हैं कि अनुभव से आता है, अनुभव कहां से आता है, अनुभव सूत्र देख के आता है। इधर बराबर कितना बढ़ जाएंगे, एक एक बढ़ दीजिए तो बी बराबर क्या आया, ई बटे डी। तो यही अभी सूत्र है, इसी से कम हो गया। तो बच्चों इस तरह से अगर आप लेक्चर नंबर एक से लेक्चर नंबर छह तक ईमानदारी से ध्यान से बैठ के पढ़ लेते हो तो अब आपको विमाएं किताबों में से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप पूरा समझ चुके हो, सब समझ में आ गया। अब इसके अंदर अगर आपको और गहराई से पढ़ना है तो हमारे जो अगले लेक्चर्स आने वाले हैं विमाओं पे, जिनका नाम है हॉट्स हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, तो इनमें थोड़ा आड़े टेढ़े सवाल, थोड़े अच्छे सवाल आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और समझ में आया है तो एक सब्सक्राइब और शेयर जरूर बनता है, ये आपकी क्या है, ये गुरु भक्ति इतनी आपके अंदर आनी चाहिए, इतनी आस्था आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए। ओके बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।